तैयार है हमारे बहुत ही मजेदार सैंडविच, इनको जरूर ट्राई करें, ये बहुत मजे के बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद है। आप इसे बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं और टी टाइम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको बना के, और ब्रेकफास्ट पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आए देख लेते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं, फ्रेश ब्रेड है ये। सम ऑरिगेनोस चाहिए होंगे हमें यहाँ पर, 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने टोमेटो केचप लिए, चिली गार्लिक सॉस है ये, 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने ऑलिव्स लिए हैं, 1 छोटे साइज़ का मैंने यहाँ पर प्याज लिया है और उसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स में। और ये हाफ मेरे पास टमाटर है, इसको भी मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और ये 1 छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी, इसे भी मैंने छोटे साइज़ में काट लिया है। यहाँ पर मेरे पास 1/2 कप मोज़रेला चीज़ है और 1/2 कप चेडर चीज़ है। तो चलिए यार रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। तब यहाँ पर मैं ये ब्रेड के स्लाइस लगाऊंगी। अब 1 टीस्पून मैं यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस लूँगी, वो ब्रेड पे स्प्रेड कर दूँगी। तो ये देखें मैंने चिली सॉस जो है वो सब पे लगा ली है। और अब मैं यहाँ पे प्याज लगाऊंगी। तो ये प्याज लग गया, अब मैं शिमला मिर्च लगाऊंगी। आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी चाहे लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पसंद है तो आप ज़्यादा में लगा लें। तो ये शिमला मिर्च पे लगा दी, अब टमाटर लगाएंगे। तो टमाटर लग गए, अब मैं ऑलिव्स लगाऊंगी। अब ये थोड़ी सी चेडर चीज़ लगाएंगे इसके ऊपर। मोज़रेला चीज़, तो अब इसके ऊपर थोड़े से ऑरिगेनो डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये फ्राइज बनाए थे थोड़े से, मैं इन्हें भी साथ रख रही हूँ ओवन में। इसके ऊपर जस्ट मैं चीज़ डालूंगी। ये ऐसे फ्राइज बना के भी आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑरिगेनो डालूंगी। अब मैं इसे ओवन करूंगी 180 डिग्री पे लगा के 2 से 3 मिनट, और सिर्फ हम इसका अपर रॉड ऑन करेंगे, नीचे वाला रॉड ऑन नहीं करेंगे। तो ये मैं इसे ओवन में रख रही हूँ और इसका जस्ट अपर रॉड जो है वो हम ऑन करेंगे। जैसी चीज़ मेल्ट होगी तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखें हमारे सैंडविच रेडी हो गए हैं। चलिए मैं इसको काट के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये हमारे सैंडविच कितने मज़े के बने हैं, इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये देखें साथ ही मैंने ये फ्राइज़ जो हैं ये भी मैंने डिश आउट कर लिए हैं। इसके साथ मैंने मायोनीज़ और चिली गार्लिक केचप रखी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े की बनती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर डेली रेसिपी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।